वाल्मीकि गांव डुमरहा में मूलभूत सुविधाओं से वंचित ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और 17 जून को लोरमी पंडरिया मुख्य मार्ग पर चक्काजाम करने की चेतावनी भी दी है। बता दें आश्रित गांव के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए पिछले 5 सालों से त्रस रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीणों में रोष देखने को मिल रहा है। साथ ही मामले में एसडीएम सहित जनपद सीईओ को ज्ञापन सौंपा गया है। और कलेक्टर आकर हमारे गांव में पूरा लिखित में आश्वासन दिए गए थे कि एक सप्ताह के अंदर ग्राम सचिव को हटाने के बात रखी थी और विकास में आज तक कोई नई विकास हुआ है, आज तक कोई सी जगह पड़ा गया है और आगामी भी 17 तारीख से हम इसी में चर्चा जाम की। अधिकारी द्वारा बोला गया था कई सप्ताह के अंदर सचिव को हटाने के लिए, लेकिन अभी तक हटा नहीं है। तो किस तरह का आवेदन दिया गया आपको, क्या मांग, क्या बोले? नहीं बनता है तो सचिव को हटाएंगे ऐसे बोला था अधिकारी। अगर मांग पूरी नहीं है क्या करेंगे? चक्का जाम किया जाएगा। हम लोग का आश्रित ग्राम है कंपनी के बच्चे, उनका मांग है कि वहाँ पे कृषि रोड का निर्माण कराया जाना है। 14 मिट्टी जो रास्ते आई है, इससे पहले भी ये लोग निर्वाचन लोकसभा निर्वाचन के समय में कुछ मांगों के लेकर के खड़े हुए थे और उसमें एसडीएम साहब, जिला सीईओ साहब, हमने स्वयं जा करके उनसे बात किया।